बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टअप जो फ़ोन नेक्स्ट करेंगे एग्री करेंगे, स्किप करेंगे, यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे, मोर पे एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, स्कैनर आ जाएगा। अब हमें दूसरा मोबाइल चाहिए, प्ले स्टोर ओपन करेंगे और इजी शेयर ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। इतनी देर में इजी शेयर डाउनलोड हो रहा है, अब हम क्विक शॉर्टकट मेकर डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम खोलेंगे, यहाँ से NVROM वेबसाइट ओपन करेंगे, गूगल पे सर्च करके पहला लिंक ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर क्विक शॉर्टकट मेकर .apk डाउनलोड करेंगे, अलाउ करेंगे, ये स्टार्ट डाउनलोडिंग, स्टार्ट हो गई है। हम वापस इजी शेयर ओपन करेंगे, थोड़ी बेसिक सी सेटिंग्स होती हैं वो कर लेंगे, आई एग्री करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फ़ोन क्लोन पे क्लिक करना है हमने यहाँ पर। इससे पहले हम देखते हैं कोई शॉर्टकट मेकर, उसको डाउनलोड हो गया है, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सेटिंग में जाके अलाउ करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। क्विक शॉर्टकट मेकर इंस्टॉल हो गया, डन करेंगे। फ़ोन क्लोन पे क्लिक करेंगे, ओल्ड फ़ोन पे क्लिक करेंगे, सेट नाउ करेंगे, अलाउ करेंगे परमिशन को, फिर से ओल्ड फ़ोन पे क्लिक करेंगे, गॉट इट पे क्लिक करेंगे, व्हाइल यूजिंग दिस ऐप पे क्लिक करेंगे, ओल्ड फ़ोन सेट नाउ अलाउ करेंगे, लोकेशन पे ओल्ड फ़ोन पे क्लिक करेंगे। अब ये QR स्कैन बन जाएगा, QR कोड आ जाएगा, जो कि अब दूसरे मोबाइल से जिस पर FRP लगा हुआ है उससे स्कैन करेंगे। अब ये Y20 से स्कैन करेंगे, देखेंगे स्कैन हो गया। अब यहाँ पर सेट नाउ करेंगे, ऑडिट का क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे। अब इस सारी एप्लीकेशंस को अनचेक कर देंगे, सिर्फ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, क्विक शॉर्टकट मेकर को चेक करेंगे, ओके करेंगे और स्टार्ट फ़ोन क्लोन पे क्लिक करेंगे, पैटर्न लगाएंगे, अगर पैटर्न लगा होगा फ़ोन पे कंटिन्यू करेंगे। अब ये एप्लीकेशन जो वीवो का फ़ोन है, वीवो जिस पे FRP लगी हुई है, उस पे ना सिर्फ इंस्टॉल हो जाएगी और कन्वर्ट भी हो जाएगी। इसको ओपन करेंगे, एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, फैक्ट्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन है फैक्ट्री टेस्ट, इंजीनियरिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ट्राई पे क्लिक करेंगे, इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे, बैक टू होम पे क्लिक करेंगे, इनिशियलाइज टू इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इस तरह से होम स्क्रीन आ जाएगी। अब होम स्क्रीन पर मेन्यू खोलेंगे, सेटिंग्स में आएंगे,
सेटिंग में आएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट में। सिस्टम मैनेजमेंट में आएंगे, बैकअप एंड रीसेट में आएंगे, अरेज ऑल डाटा पे आएंगे, फॉर्मेट पे चेक करके क्लियर ऑल डाटा कर देंगे और वेट करेंगे 3 सेकंड्स का, ये कंफर्म करेंगे यहाँ पर अरेजिंग हो रही है और यहाँ पर फ़ोन जो है हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। ये फ़ोन अरेज हो रहा है, अरेज हो जाएगा। ये देखें क्लियरिंग डाटा, डो नॉट अपडेट द डिवाइस। वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं और यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स कर लेंगे जो कि हमें डेस्कटॉप तक ले जाएगा। इस तरह से हम वीवो Y20 का आसानी से FRP बाईपास कर लेंगे। मोर पे क्लिक करेंगे, मोर पे एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, स्किप कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर अब इम्पोर्ट नहीं करना, स्किप करना है, एग्री करेंगे, स्किप करना है, स्किप करना है, यूज़ ना करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।